ओए मार्ट, बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371178 7325052437 पर। ओए मार्ट ऑनलाइन मार्केट। जीएस न्यूज चैनल पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता पार्ट टू में आज का सवाल, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन हैं? ए अरविंद सक्सेना, बी सतीश रेड्डी, सी विनोद कुमार यादव या डी के शिवम। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कल के प्रतियोगिता में आप सबसे पहले जवाब दे सकें। भागलपुर में कोरोना कहर के बीच जिले में आईएएस और आईपीएस ने किया रक्तदान। भागलपुर में रेड क्रॉस सोसाइटी और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित रक्तदान शिविर का डीएम प्रणव कुमार ने उद्घाटन किया। वहीं कोरोना काल में रक्त की कमी से जूझ रहे अस्पताल के ब्लड बैंक को रक्तदान शिविर के माध्यम से राहत मिल गई है। रक्तदान शिविर में कोरोना कंट्रोल रूम के प्रभारी सह ट्रेनी आईएएस दीपक मिश्र, भरत सुनी, रेड क्रॉस सोसाइटी के महेश पांडे सहित कई अधिकारी ने रक्तदान किया। इसमें सबसे खास बात यह रही कि महेश पांडे ने 66वीं बार रक्तदान किया है। इस संबंध में डीएम प्रणव कुमार ने बताया कि भागलपुर के ब्लड बैंक में ब्लड की काफी कमी हो रही थी। कोरोना को लेकर कई लोग ब्लड डोनेट करने से भी परहेज कर रहे थे, ऐसे में उन्होंने रक्तदान शिविर के आयोजन करने का फैसला लिया था। आज विशेष रूप से रेड क्रॉस सोसाइटी भागलपुर और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दूं कि इस कोरोना संकट अवधि के दौरान रक्तदान शिविरों का आयोजन काफ़ी कम हो गया था और हम लोगों को ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई कि रक्त की कमी से कुछ केसेस को दिक्कत हो रही है। तो हम लोगों ने ये संकल्प किया कि आज बिहार रेलवे दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाए और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज ये रक्तदान शिविर का यहाँ आयोजन किया गया। और रक्तदान सबसे बड़ा महादान है। एक व्यक्ति की जान, यदि कोई एक रक्तदान करता है तो दूसरे व्यक्ति को जान बचाता है। तो इसलिए सभी लोगों से अपील है कि रक्तदान निश्चित रूप से करें और वॉलंटरी करें। इसको हम लोगों ने सभी लोगों से भी अपील की है कि अपना वॉलंटरी आकर के रक्तदान करें। और आज यह सुखद अनुभूति, यह आज यह भी पता चला कि जो रेड क्रॉस सोसाइटी के मनोज पांडे जी हैं, उन्होंने 66वीं बार आज रक्तदान किया है। तो एक मैसेज है कि रक्तदान करने से कोई दिक्कत नहीं होती है। 3 महीने बाद पुनः आप पृथ्वी दिवस पर भागलपुर में लगाए गए 2 लाख पेड़ डीएम ने जेल परिसर से किया इसका शुभारंभ। भागलपुर में बिहार पृथ्वी दिवस के मौके पर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने जेल परिसर से वृक्षारोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने सभी से पेड़ लगाने की अपील करते हुए कहा कि पेड़ लगाने के बाद अपने संतान की भांति उसका देखभाल भी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कृत्रिम ऑक्सीजन कुछ समय तक आपका साथ दे सकता है, लेकिन पेड़ पौधे से प्राप्त ऑक्सीजन जीवन पर्यंत साथ देता है। बिहार में लक्ष्य रखा गया है कि 2.51 करोड़ यानी कि 2.5 करोड़ से भी अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था। और बड़ी खुशी हो रही है कि पूरे बिहार में और भागलपुर जिले में भी लक्ष्य से हम लोग ने ज़्यादा की उपलब्धि हासिल की है और 9 लाख से ज़्यादा पौधे भागलपुर जिले में लगाए गए हैं। और उसी के तहत आज बिहार पृथ्वी दिवस भी हम लोग मनाते हैं। आप लोगों को याद होगा कि 2011 ईस्वी से ही बिहार पृथ्वी दिवस का आयोजन किया जा रहा है और आज इस अवसर पर हम लोगों ने इस परिसर में मियावाकी विधि, जो एक टेक्निक है, जो जापनीज टेक्निक है, जिसमें कि काफ़ी नज़दीक में पौधे लगा करके घने जंगल के रूप में उसको विकसित किया जा सकता है, उस टेक्निक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ लगाया गया है। और हम लोग उम्मीद करते हैं काफ़ी शीघ्र ये काफ़ी गति से बढ़ेंगे। और एक एक पेड़ कितना इम्पोर्टेंट होता है हम सभी लोग जानते हैं। प्रकृति को बचाना, प्रकृति का संरक्षण करना कितना आवश्यक है, ये सभी को विदित है। उसी के परिप्रेक्ष्य में सभी लोगों से भी अपील है कि वृक्षों को बचाएं। और भागलपुर जिले के पीरपैंती प्रखंड के टपुआ में गंगा का भीषण कटाव।
भागलपुर जिले के पीरपैंती प्रखंड अंतर्गत टपुआ गांव में अचानक गंगा का तेज बहाव होने से बीच में लगभग 100 मीटर तटबंध गंगा में समाहित हो गया। तटबंध का कार्य समाहित होने से कटाव काफी तेज हो गया है, जिसके कारण ग्रामीण के बीच डर का माहौल हो गया है। पानी के अंदर समाहित होने से कटाव काफी तेज हो गया है, जिसके कारण ग्रामीण के बीच डर का माहौल है। ग्रामीणों को गाँव से बाहर में कहीं रहने का भी जमीन नहीं है, आखिर जाए तो जाए कहाँ। कई लोग अपना मकान खाली कर दिए हैं, ग्रामीण कटाव से भयभीत होने लगे हैं, जिससे सभी लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। टपुआ गांव में गंगा कटाव स्थल पर अफरा तफरी मच गया है। मीटर का कटाव बहुत तेजी से हो गया। गंगा कटाव निरोध संघर्ष समिति के कार्यरत अध्यक्ष गिरिराज सिंह ने कहा था कि हर जगह 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 पर बांस बंबू का कार्य किया जाएगा, मगर आज तक वो काम नहीं किया गया, जिसके कारण फ्लड फाइटिंग और जियो बैग का कार्य जो है पानी में समा गया, जिसके कारण अधिक गाँव में अफरा तफरी मच गई। अफरा तफरी मचने से गाँव के लोग पलायन करने लगे हैं, इसलिए अब गंगा का कटाव बहुत तेज हो गया है, जिसके कारण टपुआ का अब बचना नामुमकिन सा हो गया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर जगह जगह किया गया वृक्षारोपण। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अनुमंडल में जगह जगह वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नौगछिया एसपी स्वप्ना जी मिश्राम ने अपने आवास पर पौधारोपण किया। वहीं नौगछिया टाउन थाने में थाना अध्यक्ष राज कपूर कुशवाहा के नेतृत्व में पौधारोपण किया गया। नौगछिया प्रखंड के विभिन्न स्थानों व विभिन्न गाँव में पौधारोपण किया गया। वहीं जदयू के वरिष्ठ नेता गुलशन कुमार ने जाह्नवी चौक पर 5 फलदार वृक्ष के पौधे लगाए। मौके पर अभिनेता अजय साहू, सिंटू अकेला, प्रभात कुमार सहित कई अन्य उपस्थित थे। नवगछिया में 19 लोग कोरोना संक्रमित। नवगछिया अनुमंडल में विभिन्न स्थानों पर रविवार को किए गए रैपिड एंटीजन टेस्ट में कुल 19 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें नवगछिया के ढोलबजा से 8, नवगछिया से 3, बिहपुर से 1, खरीक से 5 और रंगरा से 2 संक्रमित व्यक्तियों की पहचान की गई है। नवगछिया में मास चेकिंग अभियान में 99 लोगों से वसूला गया जुर्माना। नवगछिया एसपी स्वप्ना जी मिश्राम के निर्देश पर पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान मास्क एवं वाहनों की जांच की गई। जांच अभियान में कुल 89 लोगों को बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधि करते हुए पाए गए, जिससे कुल 4950 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। इस अभियान में एक वाहन से 1000 रुपए भी जुर्माना वसूल किया गया। कृपया ध्यान दें, अब 1 मिनट के विज्ञापन के बाद खबर प्रारंभ होगा। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट। प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नवगछिया भागलपुर, ऑनलाइन कक्षा देने वाला नवगछिया का एकमात्र विद्यालय। अभी नामांकन लें और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें। 7488-8569-88-9234-62-3333। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA में ले निःशुल्क नामांकन। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हाई स्कूल के समीप नवगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 88-73-97-36-80, 8228956905 या रजिस्टर करें mswtbihar.com पर। नवगछिया पृथ्वी दिवस के अवसर पर किया गया पौधारोपण। नवगछिया प्रखंड के पकरा पंचायत के पकरा गांव वार्ड संख्या 11 में प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी संजीव कुमार सिंह और पकरा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि के द्वारा पृथ्वी दिवस के अवसर पर फलदार आम का वृक्ष का पौधारोपण किया गया। मौके पर मृत्युंजय सिंह सहित कई अन्य उपस्थित थे। इस्माइलपुर बिनटोली में गंगा के जलस्तर में आई मामूली कमी। इस्माइलपुर बिनटोली में गंगा नदी के जलस्तर में मामूली कमी आई है।
रविवार की सुबह गंगा नदी के जलस्तर में 2 सेंटीमीटर की कमी हुई। जल संसाधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रविवार की सुबह गंगा नदी के जलस्तर में 2 सेंटीमीटर की कमी होने पर 31.78 मीटर पर गंगा बह रही है। नवगछिया अनुमंडल के 3 दर्जन गांव के 10,000 परिवार बाढ़ की चपेट में। गंगा एवं कोसी नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि के कारण अनुमंडल में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे भयावह होती जा रही है। गंगा एवं कोसी नदी की बाढ़ में अनुमंडल के सभी 7 प्रखंड के 3 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बाढ़ के कारण अनुमंडल के 10,000 परिवार अभी विभिन्न बांधों व सड़क पर शरण लिए हुए हैं। सड़कों एवं बांधों पर रहने वाले बाढ़ पीड़ित की जिंदगी काफी कष्टप्रद बनी हुई है। बाढ़ पीड़ित के सामने शुद्ध पेयजल और शौचालय की समस्या है। प्रशासनिक स्तर से बाढ़ पीड़ितों के लिए अब तक चापाकल एवं शौचालय की व्यवस्था भी नहीं की गई है। चारों तरफ बाढ़ का पानी फैल जाने से पशु चारे का भी घोर अभाव है। वहीं मालूम हो कि 2 दिन पूर्व बाढ़ को लेकर हुई बैठक में सभी अंचलाधिकारी को बाढ़ पीड़ित के लिए चापाकल एवं वैकल्पिक शौचालय की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन निर्देश के बाद भी कार्य धरातल पर नहीं उतर पाया है। नवगछिया भाजपा जिलाध्यक्ष विनोद मंडल ने कदुआ के 185 बाढ़ पीड़ितों के बीच बांटे सूखा राशन। रविवार को भाजपा जिलाध्यक्ष विनोद मंडल व धमदाहा विधानसभा प्रभारी गौतम यादव उर्फ बंटी यादव ने अपने सहयोग से खैरपुर कदुआ पंचायत के महादली टोला बेलसंडी में 175 एवं डोमासी के 10 बाढ़ पीड़ित के बीच सूखा राशन का वितरण किया। साथ ही पशुओं के चारा के लिए पशुपालक विभाग व नवगछिया पदाधिकारी से बात कर सरकारी मदद पहुंचाने की मांग की है। वहीं मौके पर भाजपा आईटी सेल के जिला संयोजक सुबोध कुमार, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष देव नारायण सिंह सहित कई अन्य उपस्थित थे। नवगछिया ट्रक ऑनर एसोसिएशन की बैठक में आरआरडीटीओ द्वारा की गई कार्रवाई की निंदा। बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर रविवार को एसोसिएशन के कोर कमेटी की वर्चुअल मीटिंग बैठक हुई। बैठक में सभी जिले के ट्रक ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष शामिल हुए। बैठक में आरआरडीटीओ के द्वारा परिवहन नियम का उल्लंघन करते हुए ट्रकों के सीज किए जाने की कार्रवाई की निंदा की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पूरे प्रदेश के सभी जिला के जिलाध्यक्ष सहित ट्रक मालिक इस संबंध में आरा चलकर वहां के डीटीओ पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर डीएम एवं एसपी को ज्ञापन देंगे। नारायणपुर विकास के मुद्दे पर जदयू लड़ेंगे चुनाव। युवा जनता दल यूनाइटेड बिहार प्रदेश के निर्देशानुसार युवा विचार विकसित बिहार नीतीश कुमार कार्यक्रम के तहत युवा जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव सोनू कुमार शर्मा ने नवगछिया जिले के युवाओं से फेसबुक के माध्यम से संवाद स्थापित कर सोनू कुमार ने युवा साथियों से अपील किया है कि 2020 का विधानसभा चुनाव बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने सभी युवा साथियों से कहा कि इस बार का चुनाव विकास बनाम विनाश के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। नवगछिया इनोस ने प्रतिवाद कार्यक्रम कर जताया विरोध। देश के बेशकीमती संसाधनों को बेचे जाने के खिलाफ नौजवानों का हल्ला बोल। देशव्यापी प्रतिवाद के तहत रविवार को गंगानगर में इंकलाबी नौजवान सभा के बैनर तले रोजगार का प्रबंध करो, छटनी पर रोक लगाने सहित कई अन्य मांगों को लेकर प्रतिवाद प्रदर्शन किया गया। प्रतिवाद प्रदर्शन को संबोधित करते हुए इंकलाबी नौजवान सभा के राज्य सह सचिव गौरी शंकर राय ने कहा कि सत्ता में आने से पहले मोदी सरकार ने देश के करोड़ों नौजवान को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन ना ही नौजवानों को रोजगार मिला, उल्टे नौजवान की छटनी करना शुरू कर दिया है। नारायणपुर के आशा टोल से शराब बरामद। भवानीपुर थाना क्षेत्र के आशा टोल गांव में बिहपुर इंस्पेक्टर NS चौहान के नेतृत्व में रविवार को भवानीपुर थाना अध्यक्ष नीरज कुमार सहित कई अन्य थाने के थानाध्यक्ष व पुलिस ने संयुक्त रूप से सघन छापेमारी किया। थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि आशा टोल के सुधांशु कुमार पिता सुबेदार शर्मा के घर से 180 ml का एक बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया है। वहीं आशा टोल में बृहद पैमाने पर शराब तस्करी की बात सामने आई है। प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नवगछिया भागलपुर ऑनलाइन कक्षा देने वाला नवगछिया का एकमात्र विद्यालय। अभी नामांकन लें और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें। 7488568698 9234623333। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA में ले निशुल्क नामांकन। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नवगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 8873-9736 8228956905 या रजिस्टर करें MSWTBihar.com पर। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट।
अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड माँ गायत्री प्लाई के ऊपर। सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट।